हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर ड्रोन का रिमोट नहीं है तो आप ड्रोन को विदाउट रिमोट कैसे कंट्रोल करोगे। तो गाइस, आपको रिमोट की कोई ज़रूरत नहीं, आप बिना रिमोट के भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपका रिमोट ब्रेक हो गया है, शायद लॉस हो चुका है, तो आप ड्रोन को डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको ड्रोन को ऑन करके दिखा देता हूँ। तो आपको ऊपर से ड्रोन को ऑन करना पड़ता है, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ ड्रोन ऑन, तो गाइस अब ड्रोन ऑन हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ़ोन से कनेक्ट कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले, तो गाइस आपको फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए प्ले स्टोर में जाके एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। तो मैं प्ले स्टोर पर जाऊंगा और यहां से सर्च करूंगा इसका ऑफिशियल ऐप जिसका नाम है RCFPB। तो इसके ऑफिशियल ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ता है ड्रोन से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ मैंने RCFPB ऐप जो है वो डाउनलोड कर लिया है। आपको भी डाउनलोड कर लेना है ये ऐप। और गाइस, मैंने ड्रोन पे इसकी अनबॉक्सिंग की भी वीडियो बनाई है और भी मैंने कई सारे फीचर्स की वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ एक बार मेरा चैनल विजिट करना। तो गाइस, अब ऐप को मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइस, आपको कोई भी ड्रोन हो, आपको ये ऐप को इंस्टॉल करना है कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऐप इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको करना ये है कि आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है और फ़ोन की सेटिंग्स में आपको वाईफाई पे जाना है। अब वाईफाई पे जाने के बाद आपको यहाँ से सर्च करना पड़ेगा वाईफाई। तो आप देखोगे तो एक वाईफाई ओपन लिख के आएगा इधर, जो कि है वाईफाई 8K। तो वाईफाई 8K जो है ये ओपन वाईफाई है, तो ये ड्रोन का वाईफाई होता है, तो आपको इससे कनेक्ट करना है। तो मैं आपको एक और बात बता दूँ कि वैसे तो जब भी आप ड्रोन को डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट करोगे तो दूसरा वाईफाई तो आप कनेक्ट कर नहीं सकते हो, तो आपको अपना फ़ोन का डाटा ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ आपको अपने फ़ोन का डाटा ऑन करना है। वैसे तो फ़ोन की डाटा की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऐप पूरा ऑफलाइन है। तो अब मैं आपको ऐप को ओपन करके दिखाता हूँ। तो वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद ना ड्रोन कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से मैं RCFPV ऐप पर क्लिक करूँगा तो यहाँ आपको एक व्यू देखने मिलेगा। तो गाइस, यहाँ से मैं जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करूँगा ना, तो ड्रोन का कैमरे का व्यू देखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। सेटिंग्स में आपको इसकी लैंग्वेज सेटिंग्स देखने मिल जाती है, प्राइवेसी, और ये कहाँ आपके फ़ोन में कितनी स्टोरेज अभी अवेलेबल है। प्राइवेसी सेटिंग्स, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो और आप यहाँ से ड्रोन के फीचर्स चेक कर सकते हो। और यहाँ से आपको सपोर्ट देखने मिलता है और ड्रोन जो भी फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक कर कैप्चर करता है वो आपको यहाँ देखने मिलती है इस ऐप में। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट व्यू पे क्लिक करूँगा। इसके लिए मेरे को ड्रोन का थोड़ा व्यू चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको कैमरे में थोड़ा अच्छा व्यू मिले। तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ व्यू पे। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा तो आप देखोगे तो यहाँ से आप कैमरे में देख सकते हो कि आपको कैसा व्यू मिल रहा है। तो आप फोटोज़ डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट बस वीडियो रिकॉर्डिंग में वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होती है। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोटोज़ चेक कर सकते हो जो कि मैंने अभी क्लिक की थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाती है। और वीडियो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो जो कि मैंने रिकॉर्ड की थी। तो आप डायरेक्ट यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। फिर यहाँ से आप कैमरे को रोटेट कर सकते हो नीचे के कैमरे में। इस पर एक नीचे भी एक कैमरा है अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ से नीचे का कैमरा ऑन हो चुका है। तो नीचे के कैमरे पर भी आप वॉच रख सकते हो। यहाँ से आप जूम आउट चेक कर सकते हो 30x/60x से 100x तक। और यहाँ से आप ड्रोन की लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, ये ऐप ही ट्रैक करता है। रिवर्स में आपको बस इमेज घूम के दिखेगी और यहाँ आपको एक गेम प्ले करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइस एक्चुअली तो यहाँ आपको गेम प्ले करने का जो ऑप्शन आता है ये सिर्फ गेम प्ले करने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ से ही आप अपने ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हो। तो गाइस, अब मैंने ड्रोन की थोड़ी हाइट बढ़ा दी है और अब मैं यहाँ से इसको ऊपर करूँगा तो आप देख सकते हो कि ड्रोन के फैन घूम रहे हैं, तो उसको वापस नीचे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से ड्रोन को एक बार ऊपर करोगे तो फैन ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं, दूसरी बार ऊपर करोगे तो ड्रोन उड़ने लग जाता है। तो यहाँ से आप ड्रोन को पूरा ऑपरेट कर सकते हो, राइट लेफ्ट कर सकते हो। और आप देखोगे तो बिल्कुल जॉयस्टिक जैसा वर्क करता है। आप जैसे इसको साइड में करोगे तो ये वापस सेंटर में आ जाता है। आपको पूरे रिमोट की यहाँ सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे कि यहाँ जो ड्रोन है वह आपको फ्लिप मार के दिखाता है। ये देखो, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है ड्रोन का।
तो गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ड्रोन स्टेबल रहता है, सेकंड ऑप्शन पे फ्लिप मारता है, थर्ड ऑप्शन पे आपको 360 डिग्री तक ड्रोन घूम के दिखाता है, फोर्थ ऑप्शन में यहाँ ड्रोन आपको नाइट व्यू दिखाएगा जब आप नाइट में उड़ाते हो। यहाँ से ड्रोन अगर आप ये सेटिंग में रखते हो तो ड्रोन की सेटिंग थोड़ी चेंज हो जाती है, वैसे तो ये सेटिंग से खास फर्क नहीं पड़ता है। और आपको यहाँ एक और सेटिंग मिलती है जिससे आप ड्रोन को VR मोड में देख सकते हो, तो यहाँ ड्रोन को VR मोड में भी चेक कर सकते हो, तो आप फोन के थ्रू उड़ा सकते हो ड्रोन को अच्छी तरीके से। पर मैं आपको एक और बात बता दूँ जो कि काफ़ी मेन बात है कि ड्रोन कब फोन से उड़ाओगे तो काफ़ी ध्यान से उड़ाना, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। अगर आपने फ़ोन में थोड़ी भी गलती कर दी तो आपका ड्रोन क्रैश हो सकता है, तब इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ से आपको बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं और यहाँ से आप इसमें इफेक्ट्स डाल सकते हो जब भी आप शूट करते हो ड्रोन में तब। तो गाइस ये थे पूरे फीचर कि आप ड्रोन को बिना रिमोट के कैसे कनेक्ट करते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।